सो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो फाइनली टिकटॉक और यूट्यूब की इस लड़ाई को किसी ने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और एक ऐसा ऐप डेवलप करा जो कि इंडियन रीजन में टिकटॉक से कम्पीट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मित्रों के बारे में। मित्रों एक ऐप है जो कि टिकटॉक का आप जो है एक अल्टरनेटिव कह सकते हो इंडियन रीजन के लिए। तो इस वीडियो बात करने वाला हूँ मैं इसी ऐप के बारे में, मित्रों के बारे में। आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सारा इसका बैकग्राउंड स्टोरी भी आपको बता दूंगा और आपको एक प्रीव्यू भी दे दूंगा कि किस तरह का ऐप है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो और मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा जब मैंने इस ऐप को यूज़ करा और आपको क्या ये ऐप इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपको बता दूंगा और बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इस ऐप से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना और ट्विटर पर भी। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी की इस ऐप के बारे में। तो मित्रों जो इसका नाम है वो है फ्रेंड्स से, यानी कि जो इंग्लिश में जो वर्ड होता है फ्रेंड्स उसका मतलब होता है मित्रों, मित्र। तो ये तो आप जानते ही होंगे, तो ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया है। तो ये जो ऐप डेवलप करा है वो करा है एक IIT रुड़की के स्टूडेंट जिनका नाम है शिवंक अग्रवाल, उन्होंने इस ऐप को जो है डेवलप करा है और इस ऐप के 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये जो है नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है टॉप फ्री ऐप्स में गूगल प्ले स्टोर पर। और अगर बात करूँ इसकी रेटिंग्स की तो इसकी रेटिंग्स है 4.7 और लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है इसे अब तक रेट करा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ये साबित हुआ है अभी तक। और हम सब जानते हैं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ये ऐप, क्योंकि जो टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई चल रही थी उससे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा छोड़ने लगे हैं टिकटॉक को और लोग अब इस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की इसकी कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है इस ऐप की, जो कि मतलब ये प्योर इंडियन ऐप है, यानी कि इसमें किसी भी बाहर कंपनी का या फिर किसी का भी इंटरफेस नहीं है। IIT रुड़की के एक स्टूडेंट ने ये ऐप बनाया है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस ऐप के थोड़े बहुत प्रीव्यू की, यानी कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप इस ऐप को यूज़ करोगे। तो दोस्तों इस ऐप को जो यूज़ करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम टिकटॉक की तरह ही है। मैंने टिकटॉक एक दो बार यूज़ करा है। तो टिकटॉक में क्या होता है, टिकटॉक आप कह सकते हो एकदम हसल फ्री इंटरटेनमेंट है, यानी कि जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे आप बस यूज़ करने लग जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लॉगिन नहीं, कोई साइन इन नहीं, कुछ भी नहीं। आप बस डाउनलोड करो, यूज़ करने लगाओ। जब आप प्रोफाइल पर जाते हो तब आपसे पूछता है आपकी Gmail ID, आपका नाम जो भी है। तो इस ऐप में बिल्कुल सेम यही आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करते ही सेम आपके जो है वीडियोस आने लगेंगे आपकी स्क्रीन पर, आप उन वीडियोस को देखते रहो। अगर आपको पसंद आ रही है लाइक करो, नहीं आ रही तो छोड़ दो। वही बिल्कुल सेम सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा टिकटॉक की तरह। और जब आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं, बस खाली आपकी Gmail ID पूछेगा और आप उस Gmail ID को दे देंगे तो आपका जो है प्रोफाइल भी बन जाएगी जिससे आप जो है वीडियोज़ भी डाल पाओगे। तो बहुत ज़्यादा हसल फ्री इंटरटेनमेंट है, यानी कि डायरेक्ट वीडियोज़ देखो, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी करता है इस ऐप को यूज़ करने की। तो ये इस ऐप का कुछ प्रीव्यू है। अगर मैं आपको बात करूं जब आप इस ऐप को लॉन्च करोगे तो आपका बड़ा सा एक लोगो दिखाई देगा, आपको M बना हुआ जो कि इस ऐप का लोगो है मित्रों का। तो लोगो जो है बहुत ज़्यादा बेसिक सा लोगो है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा जो है अच्छा इंटरफेस नहीं है, कोई ज़्यादा GUI बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस ऐप का, नॉर्मल बेसिक सा ऐप है क्योंकि अभी जो है अभी अभी लॉन्च हुआ है और कोई बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च नहीं करा है, IIT रुड़की के एक बेसिक स्टूडेंट ने लॉन्च करा है। तो इस तरह से इस ऐप में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा बग्स भी आ रहे थे, जैसे कि मैंने ट्राई करा एक वीडियो अपलोड करने का, मैंने सोचा कि मैं अभी एक वीडियो अपलोड करके देख लेता हूँ, तो वो वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाई, पता नहीं बग्स आ जा रहा था बार बार। और ये ऐप जो है क्रैश भी हो रहा था, मेरे Redmi Note 8 स्मार्टफोन में क्रैश भी हुआ है ये ऐप काफ़ी बार। तो ये दिक्कत आ रही है इस ऐप में, क्योंकि इस ऐप में जो है यूज़र बेस बहुत सारा आ गया है और अभी इतना ऐप जो है स्टेबल नहीं है। वैसे तो ऐप बहुत ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 8 MB का ऐप है जो आप इजीली आप इसे किसी भी फ़ोन में यूज़ कर पाओगे एंड्रॉयड फ़ोन में, लेकिन उसके बावजूद इस फ़ोन में भी इस ऐप में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, बहुत ज़्यादा बग्स हैं। और अगर बात करूँ इसकी कुछ फीचर्स की, तो टिकटॉक में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप फिल्टर्स लगा सकते हो और आप बहुत कुछ अपने आपको चमका सकते हो, गोरा कर सकते हो, काला कर सकते हो, मोटा पतला। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आप बस आप वीडियो अपलोड कर सकते हो और बैकग्राउंड में अगर आप कोई नॉइस लगाना चाहते हो तो नॉइस लगा सकते हो। अभी तो इसमें इतने ही फीचर हैं क्योंकि अभी ये ऐप नया है और जब ऐप ये आगे जाके डेवलप हो जाएगा तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर आ जाएँ। तो अभी इस ऐप में क्या दिक्कत आ रहा है, अभी इस ऐप में जो है यूज़र तो बहुत सारे आ गए, यानी कि लोग देख रहे हैं वीडियोस यहाँ पर आकर, चला भी रहे हैं इस ऐप को, लेकिन अभी इस पर जो है कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं। मतलब इस ऐप पर जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगी, ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी की गई हैं टिकटॉक से, यानी कि टिकटॉक से इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर इस ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। तो वही टिकटॉक वाली वीडियोज़ जो हैं वो इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी, और जो क्रिएटर्स हैं टिकटॉक वाले वो अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं है। तो इस तरह का कुछ अभी इसमें मसला चल रहा है ऐप में, जो कि ठीक हो सकता है अगर चाहे क्रिएटर्स जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं वो इस ऐप पर बनाने लगे, और बाकी इस ऐप में भी वो सर्च फीड और वो मतलब जो हैशटैग ट्रेंड हो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें, इनबॉक्स भी है जो कि ओपन नहीं हो रहा है। और मैंने ट्राई करा प्रोफाइल चेंज करने का, तो प्रोफाइल तो मेरी चेंज हुई लेकिन मेरा नाम चेंज नहीं हो पाया, तो ये भी कुछ बग आ रहा था इस ऐप में, यानी कि बग्स तो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल इस तरह का कुछ ऐप है और इस तरह का आपको कुछ यूज़र इंटरफेस मिलेगा, बिल्कुल टिकटॉक की स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी है ये। और टिकटॉक से तो बहुत ही कम फीचर्स हैं, टिकटॉक में फीचर्स बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं जिसमें अभी इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं नहीं। तो इस तरह का आपको प्रीव्यू मिलेगा इस ऐप में।
तो दोस्तों आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या आपको ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हो कि टिकटॉक को इंस्टॉल कर देना चाहिए, लेकिन आप फिर भी टिकटॉक वाला जो कंटेंट है वो आप देखना चाहते हो या फिर आप बनाना चाहते हो, आप इस ऐप पर शिफ्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पर सेम कॉन्टेंट मिलेगा जो आपको टिकटॉक पर मिलता है, और आप कॉन्टेंट बना भी पाओगे इस पर। तो मुझे एक सही अल्टरनेटिव लगा, तो आपको डेफिनेटली इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए अगर आपको टिकटॉक पसंद है, लेकिन आप टिकटॉक आप यूज़ नहीं करना चाहते हो जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है उसकी वजह से। तो ओवरऑल ये ऐप अच्छा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, लेकिन आई होप ये सारे बग्स जो है फिक्स हो जाएंगे और ऐप ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं अगर कोई क्रिएटर भी वीडियो देख रहा है जो कि टिकटॉक पर क्रिएट करता है वीडियोज़, तो मैं उससे यही कहूँगा कि भाई यार तू इस पर आ जा और इस पर भी तू वीडियोज़ बनाने लग। तो बस यही मुझे बताना था इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और मुझे इंस्टाग्राम पर अगर ज्वाइन करो, अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो पूछ सकते हो, और ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।